भारत माता की जय, जय सियाराम। आज महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है 2 अक्टूबर। आप सबको बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन में झुकना नहीं सीखा, लेकिन दुश्मन को झुकाना जरूर सीखा। मामूली से परिवार, गरीब परिवार से लाल बहादुर शास्त्री जी आए, काशी में उनका जन्म हुआ, एकदम गरीब परिवार से, और नेहरू परिवार में एक सेवादार के रूप में कार्य करते थे। नेहरू प्रधानमंत्री जी बनने के बाद में प्रधानमंत्री इनको बनाया गया। इनकी काबिलियत को देखकर, इनके भाषणों को सुनकर, इनके जनरल नॉलेज को देखकर लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो वो समय पर बहुत सारे संकट आए, बार बार पाकिस्तान भारत को धमकी देना, हमला करने की बात करना, और हमला हुआ भी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस हमले को इतना भयंकर रूप से जवाब दिया कि भारतीय सेना ने मारते गए पाकिस्तानियों को, मारते गए लाहौर तक भारत का झंडा फहरा दिया भारतीय सेना ने। ये देखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पुकारने लगे, यहां वहां भागने लगे, अमेरिका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट करने लगे। तो तब जाकर लाल बहादुर शास्त्री जी को समझाने का प्रयत्न किया गया, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने लाहौर के ऐसे कई क्षेत्र पर विजय हासिल कर ली थी। तो उनकी ये काबिलियत उनके ही पार्टी के लोगों को पसंद नहीं थी, खास करके इंदिरा गांधी को। और इंदिरा गांधी ये नहीं चाहती थी कि ये मेरे घर का एक नौकर प्रधानमंत्री बना रहे, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चला। वो समय पर लाल बहादुर शास्त्री जी को दबाने का प्रयत्न किया गया, डराने का प्रयत्न किया गया, अगर तुम ये युद्ध नहीं रोकोगे पाकिस्तान के ऊपर, अमेरिका की धमकी, अगर तुम युद्ध नहीं रोकोगे तो हम जो तुम्हें भारत को, यानी भारत को वो समय पर लाल कलर का एक गेहूं आता था, यानी अमेरिका में जानवर खाते थे वो गेहूं वो भारत को बेचते थे, क्योंकि खेती की बहुत कमी थी, बहुत फाइनेंशियली हम लोग वो समय पर वीक थे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि हम भूखे मर जाएंगे लेकिन तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। ये अमेरिका के अधिकारियों को शास्त्री जी ने जवाब दिया था। तभी भी पाकिस्तान को मारते गए, तब जाकर इंदिरा गांधी और कई कांग्रेसी नेताओं को अमेरिका द्वारा कहने पर लाल बहादुर शास्त्री जी को समझाया गया, समझौते के तौर पर बुलाया गया, ताजगंज पर समझौता हुआ, युद्ध रुक गया, और जितने भी जो हमने जीते थे पाकिस्तान में क्षेत्र, वो सारे के सारे क्षेत्र पूर्ण पाकिस्तान को दे दिए। लेकिन दुर्भाग्य, लाल बहादुर शास्त्री जी जीवित भारत नहीं पहुंचे। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी किसी कांग्रेसी के दबाव में नहीं आ रहे थे, किसी की बात वो नहीं सुन रहे थे, क्योंकि उनका एक ही एक लक्ष्य था, मेरा भारत देश झुकने वाला देश ना बने, मेरा भारत देश झुकाने वाला देश बने। ये लाल बहादुर शास्त्री जी की सोच थी, लेकिन दुर्भाग्य उनकी सोच को खत्म करने वाले कांग्रेसी थे, इंदिरा गांधी थी। षड्यंत्र से लाल बहादुर शास्त्री जी के पानी में जहर डालकर उनको मारा गया। लाल बहादुर शास्त्री जी, यानी एक भारत के प्रधानमंत्री का कत्ल होता है और पोस्टमार्टम नहीं होता, उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है, और उनकी पत्नी ये कहती है कि पोस्टमार्टम वो जांच हो, लेकिन दुर्भाग्य नहीं होता है। लेकिन और एक बात, लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री थे तो उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में हो, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में हो। ये भी उनके शरीर, यानी उन्हें मरने के बाद में भी उनके शरीर के ऊपर राजनीति करने वाले ये कांग्रेस थे। दुर्भाग्य है कि ऐसे कांग्रेसों का राज भारत देश में चला है। लेकिन अच्छे का अच्छा ही होता, बुरा का बुरा ही होता, जो व्यक्ति जैसी सोच रखता है वो व्यक्ति के साथ वैसे होता है। सो इंदिरा गांधी जी के साथ भी कुछ ऐसा ही बुरा हुआ, दुर्भाग्य है। लेकिन हमने एक बहुत अच्छे योद्धा को खो दिया। आज उनका जन्मदिन है,
मैं उनको शत शत प्रणाम करता हूं और उनकी यादें आज भी हम भूल नहीं सकते। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही हमारे प्रधानमंत्री थे शास्त्री जी, जिन्होंने अमेरिका के सामने नहीं झुककर भारत की जनता को एक दिन भूखा रहने के लिए आह्वान किया था। तो वो समय पर उनकी बात सुनकर भारत में एक दिन का व्रत प्रारंभ हुआ। और ऐसे हमारे प्रधानमंत्री थे जिनकी खुद की कार बैंक के फाइनेंस पे चलती थी, उनके मरने के बाद में वो लोन उनके परिवार वालों ने चुकाया गया। तो ऐसे सरल हमारे प्रधानमंत्री थे। वो समय पर बहुत ही फाइनेंशियली प्रॉब्लम था, तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है, तन मन धन से भारत की जनता सहयोग करे। तो हर व्यक्ति ने, हर माताओं बहनों ने, यहां तक के मंगल सूत्र तक दे दिया कि मेरा देश बचे, पाकिस्तान का सर झुके और मेरे भारत देश का सर उठे। इतनी अच्छी हमारे भारत देश की जनता थी और हमारे भारत देश की मान बढ़ाया हमारे शास्त्री जी ने। ऐसे शास्त्री जी को शत शत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और उनकी पवित्र आत्मा को भगवान शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे और पूर्ण कोई ना कोई रूप में इस भारत में फिर से शास्त्री जी का जन्म हो, ये मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहूंगा। क्योंकि आज मोदी जी है, मोदी जी और शास्त्री जी में कोई अंतर नहीं, क्योंकि मोदी जी भी चाहते कि मेरा भारत देश किसी के आगे ना झुके, तो मोदी जी भी उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते हैं।